LHTV इंडिया में आपका स्वागत है। यूपी पंचायत चुनाव 2020 या 2021, आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में इस बार सरकार प्रधानी लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकार 50,000 रुपए सब्सिडी जमा करने का भी प्रावधान रखेगी और प्रत्याशियों के 100 वोट से कम पड़ने वाले उम्मीदवारों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सरकार इन सभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्या क्या बदलाव करने जा रही है और आपको ये भी बताएंगे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव एक साथ होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानी लड़ने वाले उम्मीदवारों का रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। यूपी की योगी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने की तैयारी है। यूपी सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता तय कर सकती है। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चे वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार 2 से अधिक बच्चे वाले महिला पुरुष उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाएगी। अब आपको बता उन बदलावों के बारे में जो कि सभी प्रधानी लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए जानना बहुत जरूरी होगा। नंबर 1, इस बार प्रधानी लड़ने वालों के लिए 50,000 रुपए सब्सिडी जमा करना पड़ेगा और 100 वोट से कम पड़ने वालों को सब्सिडी वापस नहीं दी जाएगी। नंबर 2, इस बार प्रधानी चुनाव लड़ने वालों को 2 से ज्यादा बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नंबर 3, जो भी प्रधानी लड़ने वाले प्रत्याशी उनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। नंबर 4, अगर कोई चुनाव लड़ रहा है और उसके 100 वोट से कम निकलते हैं तो उसे दोबारा चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा। वीडियो के आखिर में आपको बता दें, प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आंशिक परिसीमन और पंचायती राज निदेशालय की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक 680 पंचायतों के आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल होने की सूचना दी गई है। इन 680 पंचायतों में जो वार्ड शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं उन्हें घटाकर बाकी बची पंचायत के वार्डों का नए सिरे से निर्धारण किया जाना है। ये पूरा ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक दिया जाना जरूरी है, क्योंकि 1 अक्टूबर से होने जा रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए बूथ लेवल ऑफिसर इसी ब्यौरे के आधार पर पंचायतों में घर घर जाकर वोटरों का वितरण संकलित करेंगे। निदेशालय के संबंधित अधिकारियों का इस ब्यौरे को जल्द से जल्द तैयार कर रहे राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो के अंत में आपको ये भी बताते चले कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान करीब 3.5 महीने तक चलेगा। 29 दिसंबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। तो इस आधार पर अब तो ये पक्का हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2020 में नहीं होगा। अब ये पंचायत चुनाव अगले साल यानी कि 2021 में होने की संभावना बलवती हो रही है। मतलब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 में पहली 3 महीने में कभी भी होने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।